जी मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो गए हैं, ये इनको पता ही नहीं है कि कब क्या बोलना है। उनको आपकी जीरो प्राप्त होंगे, वो इतना जो बेचैनी में जो घूम रहे हैं वो बेचैनी का यही कारण है। इनके इनके लालसा से कुछ होने वाला भी नहीं है, या कोई ई बैंक के पंचायती करने के बराबर है। कहे ना कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानते, हम उसका झोला टांगेंगे सोनिया जी, ये कहे में लाज लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीजेपी को 100 से कम सीटों पर ले आना है, ये ऐलान किया है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। देखिए, आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, महाधिवेशन था सीपीआईएमएल का, जिसमें नीतीश कुमार शिरकत करने पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से आग्रह किया कि अगर कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, अगर सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ ले आए तो इनका तो 100 के नीचे लाके फेंक देंगे। आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार का ये कड़ा प्रहार, क्या बीजेपी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी अगर महागठबंधन एक हो जाएगा तो? हमारे साथ नवल किशोर यादव, बिहार बीजेपी के एमएलसी, विभाग तरीके से बोलते हैं 100 सीट के नीचे ले आएंगे आपको अगर साथ आ गए तो। नीतीश जी मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो गए हैं, ये इनको पता ही नहीं है कि कब क्या बोलना है, किसके साथ क्या बोलना है, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, महागठबंधन तो सब साथ कौन अलग था, नीतीश जी सिर्फ हमारे यहाँ थे, सिर्फ नीतीश जी को ना उसमें जुटना है। तो आपकी सरकार बनी हुई थी, नीतीश सरकार तो उनका जो 40 को एमएलए भी जीत के आया है, वो मेरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। उनको अब की जीरो प्राप्त होंगे, वो इतना जो बेचैनी में जो घूम रहे हैं वो बेचैनी का यही कारण है। हम यह कह रहे हैं कि इनको ना अप्लीकेशन लिख के सोनिया जी के यहाँ देना है कि सोनिया माता जी हमको रख लीजिए महागठबंधन में, है क्या? नहीं, इन्होंने तो कहा कि कांग्रेस सभी लोगों को एक ले आए, सलमान खुर्शीद साथ कह रहे हैं। अरे तो कांग्रेस कहाँ कह रहा है कि नहीं, कांग्रेस के तो साथ ही सब थे ना, जिनके बड़ा भाई के साथ गए हैं ये भैया भाभी के यहाँ तेजस्वी यादव के साथ, तो वही तो कांग्रेस के साथ थे ही, कौन नहीं था कांग्रेस के साथ, तो सब था ही, तो इनको ना जुटना है। नहीं, और नीति विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार ये पहल कर रहे हैं, उन्हें कुछ लालसा नहीं है लेकिन वो पहल कर रहे हैं, सबको एक हो जाएगा। इनके इनके लालसा से कुछ होने वाला भी नहीं है, या कोई ई बैंक के पंचायती करने के बराबर है। जैसे बैंक का पंचायती एक जगह नहीं हो सकता है, उसी तरह ये प्रतिपक्ष एक साथ ही ख्वाब देखते हैं। क्या बनावल जी, 6 महीने पहले तक नीतीश कुमार बड़े अच्छे लग रहे थे, अब बैंक की तरह पंचायती कर रहे हैं? नहीं, 6 महीना पहले अच्छे लग रहे थे, जब जब जरूरत पड़ा है इनको हम लोग ठोकते रहे, तब ना भागे हैं। जब जब ये समाज के हित में काम नहीं करते, जैसे शराबबंदी पर जो लोगों को घोलटा रहे थे, हम लोग इनको हमेशा तंग करते थे, हमेशा बोलते थे, दारू के मामले पर, बालू के मामले पर, शिक्षा के मामले पर, परीक्षा के मामले पर, गरीबों के मामले पर, या शिक्षकों के पिटाई के मामले पर, हमेशा इनको आगाह करते थे, इसीलिए इनको कुटकुटा रहा था। और नीतीश कुमार का भविष्य इस चुनाव में खत्म हो जाना है परमानेंट राजनीति से, और 2024 नहीं 2034 तक भारत के प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी अपने इच्छा से कह देंगे कि हम नहीं रहेंगे, तब कोई आदमी इस देश में सो सकता है। नहीं, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, अभी भी हो सकती है क्या बात? सोनिया गांधी से मुलाकात हो तब ना सलमान खुर्शीद जी से कह रहे हैं, खदेड़ दी थी वहां से, ये चाहते थे फोटो खिंचवा, बोले ना फोटो वोटो नहीं खिंचवा। सलमान खुर्शीद क्या हो, तो सोनिया गांधी ना से बात करेंगे, सोनिया गांधी बात नहीं मानेंगे क्या? सोनिया गांधी नहीं चाहेंगे विपक्षी पार्टियां एक हो जाए? अरे विपक्ष भाषा कहे ना कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानते, हम उसका झोला टांगेंगे सोनिया जी, ये कहे में लाज लग रहा है। ये अपने आप गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं चलेगा, ये चाहते हैं कि बोल रहे हैं, जैसे ही कहते थे कि हम तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे, भाजपा वाला इस बार हमको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना देना, अब तो भाजपा में सरकार तेजस्वी को बना दें, उस दिन तो जबरदस्ती भाजपा वाला बना दिया था, तो अब दे देना जबरदस्ती तेजस्वी मांग रहा है तो। अरे नजर कहीं नीतीश कुमार को मैं बार बार कहता हूं कि खाते हैं ओरी या ताकते हैं बरोरी, ये नजर कहीं और निशाना कहीं मिलाने वाला है। वो कह रहे हैं कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, 24 में ही नहीं 34 में भी आएंगे, करेजा के मूंग के दाल करेजा पर डरेंगे ही भारतीय जनता पार्टी का इस देश में और नरेंद्र मोदी के इस देश में
कोई विकल्प नहीं। सोनिया गांधी को क्या दिक्कत होगी, नीतीश कुमार से विपक्ष में है, साथ आएंगे और उनको तो कुछ लालसा है। नहीं, गिर गिरा क्यों रहे हैं, भगा क्यों दिया था सोनिया गांधी, तो जाए ना कहे ना कि हम मानते हैं आपका झोला टांगेंगे, ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम आपका झोला टांगेंगे, कहते हमको कोई मतलब, अरे तब मतलब क्या रहेगा, 40 गो एमएलए है 42 गो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, तो आपको 40-42 गो एमएलए में हुआ प्रधानमंत्री, आप कहिए कि हाँ सोनिया जी आप बनिए प्रधानमंत्री या आपका कोई बने हम उसका झोला ढोएंगे, ये कहने में लाज लगता है। धवल जी अंतिम सवाल है मेरा, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग मत होइए, राजनीति संभावना का खेल है, कब पासा पलट जाए, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये संभावनाओं का खेल है, लेकिन जनता जिनके नजरों में झांक के अपने भविष्य को टटोलता है, नरेंद्र मोदी के नजरों में, उसका भी कमाल है। ये कल्पना में तीर चलाने से कोई अर्जुन नहीं बनता, नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे, और ये लोग सब मिल जाएंगे तब वो सवे सवा सौ सीट में रहेंगे, सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में 350 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले लाएगी। बीजेपी अकेले जीतेगी, अपने दम पर जीतेगी, और 2034 तक नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। नवल किशोर यादव बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, कौन किसका झोला ढोएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।